हेलो दोस्तों, नमस्कार। पूजा फ्रूट ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं इडली। तो दोस्तों, आप बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बनता है, झटपट बनने वाला ये रेसिपी है। जब कुछ खाने का मन करे तो झटपट में बनाइए ये रेसिपी। दोस्तों, देखते हैं कैसे बनाते हैं हम इसे, एंड तक ज़रूर देखना, तभी समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। हमने 2 कटोरी भर के सूजी लिया है, ये देखो हमने 2 कटोरी ले लिया है। तो इसमें हम लेंगे 1 कटोरी भर के दही, इसे हम अच्छे से मिला देंगे दही और सूजी को। तो इसमें हम डालेंगे पानी, तो उसके लिए हमने 1 कटोरी पानी ले लिया है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, इसे अच्छे से मिलाएंगे। दोस्तों देख पा रहे होंगे, तो हमने पूरा पानी इसमें डाल दिया 1 कटोरी, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम और पानी लेंगे दोस्तों। तो थोड़ा सा पानी हमने और डाल दिया है। तो देखो दोस्तों, हमारा बैटर कुछ इस तरीके से बन के तैयार हुआ है। इसे हम रेस्ट के लिए 10 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे साइड में, तो हमने कवर करके रख दिया है। साथ में हमने आलू उबाल के ले लिया है, और अब हम चलेंगे स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग के लिए हमने कढ़ाई में तेल डाला, तेल गर्म हो गया, इसमें राई डाल दिया, जीरा, राई जीरा हमारा चटक रहा है दोस्तों, तो हम इसमें हरी मिर्ची काट के डालेंगे। देखो दोस्तों, हमने हरी मिर्ची भी डाल दी है, और अब इसमें डालेंगे प्याज, कुछ हमारे मसाले जा रहे हैं जिसमें हल्दी है, मसाला, और अब इसमें जाएगा नमक। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं दोस्तों। तो हम इसे अच्छे से मिलाएंगे, मसाले से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें हम डालेंगे हल्का सा गरम मसाला। अब इसमें हम डालेंगे मैश किया हुआ आलू। तो दोस्तों, हम इसे अच्छे से चलाते हुए मिला लेंगे आलू को मसाले में। देख पा रहे होंगे दोस्तों, अच्छे से हमने इसे मिला भी दिया है, चलाते हुए ऐसे नीचे ऊपर करके सबको मिला देंगे। हमारा इसमें अब जाएगा धनिया। तो हमारा स्टफिंग बन के तैयार हो गया है दोस्तों, धनिया भी हमने अच्छे से मिला दिया। देखो, तो हम चलते हैं कि सूजी की तरफ। सूजी हमारी फूल चुकी है, कुछ इस तरह की हुई है। तो इसमें हमें पानी की ज़रूरत और है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी और ले लिए हैं, तो हम इसे अच्छे से मिला देंगे। तो दोस्तों, इसमें हम नमक डालेंगे। अब रखेंगे हम गैस पे कुकर, उसमें डालेंगे पानी गर्म होने के लिए। जब तक हमारा पानी गर्म हो रहा है, तब तक हम चलेंगे आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो आलू का बॉल्स बना लेंगे, छोटा छोटा है, इसी तरह ऐसे हाथों से बना लेंगे अच्छे से। तो हमारा बॉल्स कुछ ऐसे बन के तैयार हो गया दोस्तों। अब चलते हैं हम इडली सांची की तरफ, इसमें तेल लगा के ग्रीस कर लेंगे। तो हमने अच्छे से तेल से ग्रीस कर दिया है दोस्तों। अब चलते हैं सूजी की तरफ, तो हम इसमें डालेंगे इनो। इनो हमने डाल दिया है, इसमें हल्का सा पानी डाल के मिला लेंगे अच्छे से। तो देखो दोस्तों, हमारा सूजी कितना अच्छे से फूल के तैयार हो गई है। इसे हम सांचे में डालते हैं, थोड़ा थोड़ा डाल के। अब इसमें हम आलू की जो टिक्की बनाए थे वो रख देंगे, सांचे में थोड़ा ही डाले हैं, उसके बाद ऊपर से हम कवर कर देंगे अच्छे से। बहुत अच्छा बनता है दोस्तों, एक बार ज़रूर ट्राई करना। पूरा वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो दोस्तों, हमने कवर कर दिया है, अब इसे हम रखेंगे कुकर में। कुकर को हम कवर कर देंगे ढक्कन लगा के। तो दोस्तों, 10 या 15 मिनट में पक जाता है अच्छे से। हमारा 15 मिनट हो चुका है, इसे हम ढक्कन उठा के देखते हैं नाइफ की मदद से। तो दोस्तों, देखो अच्छे से क्लीन आ रहा है, यानी कि हमारा अच्छे से पक गया है इडली। हम आपको दिखा पा रहे हैं अच्छे से, देखो दोस्तों पक गया है इडली। तो इसे हम अब निकाल के पहले हम गैस को बंद कर दिए हैं, अब इसे हम निकाल के साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए दोस्तों। तो हमने इसे निकाल के साइड में रख दिया है दोस्तों, 10 मिनट बाद इसे हम देखेंगे, तब तक अच्छे से ठंडा हो जाएगा। तो हमारा दोस्तों अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो इसे आप चाकू या चम्मच की मदद से आसानी से पलट सकते हैं। तो हमने चम्मच से पलट रही हूँ अच्छे से, धीरे धीरे, बहुत अच्छे छोड़ देता है ठंडा होने के बाद दोस्तों।
तो आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छा बनके सॉफ्ट फूला फूला बनके तैयार हुआ है दोस्तों। बहुत टेस्टी नाश्ता है, इसे आप टिफ़िन, बच्चों के टिफ़िन के लिए, फिर नाश्ते के लिए कभी भी बना सकते हो। झटपट बनने वाली रेसिपी है ये, बहुत टेस्टी भी लगती है खाने में, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो दोस्तों हमारा हो गया है, देखो आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ कितना टेस्टी बना है। बहुत टेस्टी बनता है दोस्तों, चटनी के साथ आप खाइए। वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब प्लीज़ दोस्तों। तो दोस्तों आइए खाते हैं, बहुत टेस्टी सा बना है, लाजवाब नाश्ता। बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक